तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो साज पे एप्लीकेशन है ना, इससे अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसको कैसे जमा कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता कि साज पे आखिर है क्या। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। जिस तरह आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह है ना, ठीक उसी तरह ये एप्लीकेशन है। बस इसमें फर्क इतना है कि इसके अंदर आपको कुछ भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के, बिल पेमेंट करने का, मोबाइल रिचार्ज करने का, यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। जबकि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के अंदर आपको कमीशन सामने से देना पड़ता है, यानी कि आपका चार्ज यहाँ पे लगता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें अकाउंट कैसे बनाना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। और दोस्तों एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो बहुत ही कमाल का है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है और एक भी आपको इसके अंदर फालतू के एड यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। उसमें दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, आप देख सकते हैं। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको पैसे जमा करने के लिए इनके वॉलेट में पैसे ऐड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी आपके सामने बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा और मुझे यहाँ पे कमीशन भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपल सा सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और आप देखते हैं मैंने राजस्थान यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपके सामने सर्विस प्रोवाइडर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पर आती है वो कौन से बोर्ड से आती है, आपको उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपने जो बिल होता है आपका उसके ऊपर साफ साफ ऊपर ही ऊपर लिखा होता है कि आपको कौन से बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड को भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर आईडी यहाँ पे पूछ रहा है, तो अब आपको सिंपल सा जो भी आपके के नंबर होते हैं ना वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। दोस्तों उसके बाद आपको सिंपल सा गेट बिल डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके अंदर किसी दूसरे का बिल पेमेंट होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही आप के नंबर डालोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, बिल किसके नाम पर है, कितने रुपए हैं बिल के, और यहाँ पे बिल की लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट यानी कि बिल जमा करने की लास्ट डेट क्या है, सब कुछ ए टू जेड फुल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप देख सकते हैं। तो भैया देखिए मेरे यहाँ पे 439 पैसे मेरे आए हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपल सा प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं मुझे कमीशन यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 रुपये का मुझे पूरा यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। तो अब आपको सिंपल सा पे पर क्लिक करना है और टोटल आपको सिर्फ 437 रुपये यहाँ पे करने हैं। तो मैं सिंपल सा पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप आपके फोन में जो भी यहाँ पे यूपीआई ऐप होते हैं जैसे फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब आ जाएंगे आपके फोन में जो भी है, आपको सिंपल सा उसको सिलेक्ट करना है। और अब आपको सिंपल सा पे नाउ इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको वेट करना है, बैक बटन यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे फोन पे मेरा आ चुका है यहाँ पे। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको सिंपल सा उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको सिंपल सा पे का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपने जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे डाल देने। तो उसके बाद आपको सिंपल सा टिक पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको वेट करना है। और आप देखते हैं सक्सेसफुली हमारा पेमेंट यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐप के अंदर रिडायरेक्ट कर देगा, आपको बैक बटन प्रेस यहाँ पे नहीं करना है। और दोस्तों आप देखते हैं मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली पे यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सक्सेसफुली। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।